आज मैं एक ऐसी कैमरा एक्सेसरी की बात करने वाला हूं जो आपके कैमरा की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा आपकी नेक के लिए, बिकॉज आप देखोगे आपके जो कैमरा बॉक्स होता है उसके अंदर आपको एक नेक स्ट्रैप मिलता है जिसको हम अपने नेक पे डाल के कैमरा यहाँ पे लटका लेते हैं, देन हम शूट करते हैं। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपके नेक पे प्रेशर पड़ता है जो एडवाइजेबल नहीं होता, स्पेशली अगर आप एक हैवी सेटअप कुछ इस तरह का यूज़ कर रहे हो या आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए शूट करते हो, और वहाँ पे ही यूज़ होता है इस तरह का शोल्डर स्ट्रैप या स्लिंग शोल्डर स्ट्रैप। मैंने पिछले 6 से 7 साल में बहुत अलग अलग शोल्डर स्ट्रैप्स में इन्वेस्ट करा है, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि जो हमारा कैमरा का वेट होता है, कैमरा एंड लेंस के कॉम्बिनेशन का, उसको हमें डिवाइड करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए, और वहां पे ये शोल्डर स्ट्रैप्स काम आते हैं। बिकॉज मेरे लेफ्ट यहां पे आप देखोगे शोल्डर पे ये स्ट्रैप है विद अ गुड पैडिंग, उसकी बात मैं आगे करूंगा, और इस तरह से जो मेरा कैमरा है वो मेरे वेस्ट लेवल पे रहता है, और मुझे जब शूट करना है मैं क्विकली अपने कैमरा को इस तरह से उठा सकता हूं और मैं इसको वापस यहां पे छोड़ दूंगा। तो जब मैं शूट कर रहा हूं बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए, या अगर मैं जस्ट अपने कैमरा को इस तरह से छोड़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लॉक सिस्टम है, इसको मैंने नीचे करा एंड आई कैन ईजिली मूव अराउंड, और ये जो कैमरा है ये मेरा यहाँ पे लॉक्ड हो गया। आई टॉक अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड, बट एक दो बेनिफिट शोल्डर स्ट्रैप के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट सबसे बढ़िया एडवांटेज मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे मेरा कैमरा रेस्ट हो रहा है एंड आई कैन क्विकली हैव माई कैमरा। मैंने शूट करा नीचे रख दिया, शूट करा नीचे रख दिया। तो अभी जो मैंने यहाँ पे स्लिंग शोल्डर स्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, दिस इज बाय अ वेरी फेमस ब्रांड जो है ब्लैक रैपिड, आप सबने ही सुना होगा। तो ये ब्लैक रैपिड का स्पोर्ट एक्स मल्टी टेरिन कैमो ये पर्टिकुलर मॉडल है। इसके और दो कलर्स आते हैं वो आप चेक कर सकते हो, बट मेरे पास जो है ये कैमो फ्लैश वाला डिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी कूल लगता है एंड इट इज़ समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। और ये है ब्लैक रैपिड का डबल मल्टी टेरिन कैमो, सो ये बेसिकली डबल कैमरा स्ट्रैप है। अगर आप दो कैमराज कैरी करते हो जैसे मैंने अभी करा हुआ है कि एक प्राइमरी कैमरा बॉडी है और साथ में एक मेरे पास 800mm का लेंस है, सो लेट्स सपोज अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ या अगर आप हाइकिंग भी कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, सो इट बिकम्स वेरी इजी कि मैंने इसके लॉक्स ओपन किए, आई हैव दिस कैमरा जब मुझे शूट करना है, एंड अगर मुझे कोई लेंस चेंज करना है आई हैव दी ऑप्शन कि मैं जल्दी से इससे लेंस डिसमाउंट करके इस कैमरा में लगा सकता हूँ एंड दूसरा लेंस मेरा इस साइड आ सकता है। और इस डबल स्ट्रैप का एक फायदा क्या है कि आप इसको डिसमाउंट करके एज अ सिंगल कैमरा स्ट्रैप्स भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी टीम में दो लोग हैं तो एक स्ट्रैप एक पर्सन पहन सकते हैं, दूसरा दूसरा, और जब आप सिंगल शूट कर रहे हो आप दोनों शोल्डर स्ट्रैप्स को कंबाइन करके आप शूट कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज आपको इस शोल्डर स्ट्रैप को यूज करने से पहले जो करनी होगी वो है ये जो फास्टनर है, इसको फास्टनर बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ दी एसेसरीज जो बेसिकली आपके कैमरा पे जाती है। तो यहाँ पे आपका जो 1/4 inch का थ्रेड है कैमरा का, तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद आपकी ये जो शोल्डर स्ट्रैप है इसके नीचे, यहाँ पे बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये आपका कैरबाइनर है, सो ये जो कैरबाइनर है यहाँ पे इस तरह से आप ये देखोगे, इसको मुझे इसके अंदर अटैच करना है, और यहाँ पे ये मेरा कैमरा का जो ये नीचे फास्टनर था वो अटैच हो चुका है, यहाँ पे ये लॉक है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी, लेट्स सपोज मैंने इस तरह से कैरबाइनर लगा दिया, उसके बाद मुझे नहीं याद रहा कि मुझे इसको लॉक करना है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन की, सो इसको बेसिकली दे कॉल इट लॉक स्टार प्रोटेक्टर। तो ये लॉक स्टार प्रोटेक्टर क्या करता है, यहाँ इस तरह से ये इसके ऊपर फिट हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको लॉक नहीं किया हुआ, सो ये एक बेसिकली आपके लिए एक सिग्नल हो जाता है कि आपने लॉक नहीं करा। तो यहाँ पे इस तरह से आई कैन क्विकली फास्टन दिस अप, ये मैंने लॉक कर दिया, और अब ये जो मेरा प्रोटेक्टर है लॉक स्टार यहाँ पे एडिशनल लेयर लग गया, तो अब कोई एक्सीडेंटली भी चांसेस नहीं है कि ये किसी तरह से खुल के ओपन हो जाए, सो उस टर्म्स में प्रोटेक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। अब फाइनली इस शोल्डर स्ट्रैप को लगाते हैं अपनी शोल्डर पे एंड आई शो यू। सो बेसिकली ये राइट हैंड यूज़ के लिए है, तो इसको लगाने का बहुत सिंपल मेथड है कि आपका राइट हैंड है, इसको मैंने बाहर निकाला, इस तरह से मेरे लेफ्ट शोल्डर पे ये फिट हो जाएगा एंड आई एम ऑलमोस्ट गुड टू गो, इस तरह से मेरा स्ट्रैप आ गया। अब एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कि आप अगर आगे पीछे हो रहे हो ऑब्वियसली ये फॉल हो जाएगा, सो यहाँ पे अंडर आर्म पे आपका ये एक और एक्स्ट्रा लेयर है, सो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। सो नाउ अब जो मेरा ये स्ट्रैप है यहाँ पे फिक्स्ड है, अगर मैं आगे पीछे भी मूव होऊंगा सो ये पोजीशन इसका लॉक्ड रहेगा, एंड दिस इज हाउ आई हैव दिस स्लिंग शोल्डर स्ट्रैप।
अब मैं जो आपको बात कर रहा था एंगल की, यहाँ पे मेरे स्ट्रैप यहाँ पे अटैच्ड है। अब एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये जो इसके लॉक्स हैं, ये इस कैमरा की पोजीशन आप खुद उससे डिसाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी ये जो नीचे की तरफ मैंने यहाँ लॉक लगा रखा है, अभी इसको मुझे मैंने एडजस्ट कर दिया, अब मुझे कैमरा यहाँ रखना है। अब इसके पीछे ये देखो ये कैमरा जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे लॉक हो रखा है। और एक सेकेंड लॉक आपको यहाँ पे मिलता है जिसको मैं, ये बेसिकली स्प्रिंग लॉक है, इसको मैं इस तरह से उठा के यहाँ पे मैंने नीचे छोड़ दिया। अब मेरा कैमरा अभी देखो एक पोजीशन पे लॉक्ड है। तो अगर मैं लेट्स सपोज शूट कर रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है, और ये मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कैमरा स्ट्रैप में, या अगर मैं शूट कर रहा हूँ और मैं हल्का सा आगे भी बेंड हुआ तो ड्यूसी ये आगे नहीं आ रहा, बिकॉज इसको मैंने पोजीशन लॉक कर रखा है। और वही अगर ये लॉक नहीं होता और मैं आगे आता तो ये इस तरह से कैमरा आपका जो है वो आगे पीछे मूव होता रहता है, जो डैमेज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर देता है आपके कैमरा को। एंड टॉकिंग अबाउट ये जो स्ट्रैप है, ये नाइलॉन स्ट्रैप है एंड दिस एक्सटेंड स्टिल, इसका जो लेंथ है अराउंड 66 inches है, विच इज़ गुड इनफ। मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मैं 6'3", 3.5" के आसपास हूँ, तो मेरे लिए दिस इज़ कम्फर्टेबल इनफ और आई कैन ईजिली पिकअप माई कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं वो आपके कैमरा की सेफ्टी के लिए होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स शेयर कर चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस। एक और एडेड लेयर ऑफ सेफ्टी ब्लैक रैबिट का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है, यहाँ पे आपको ये टेथर मिलता है। बेसिकली ये आपके कैमरा का जो यहाँ पे जहाँ आपका नेक्स्ट स्ट्रैप लगता है ना, उस साइड एक एंड आपका लग जाता है और जो दूसरा एंड है वो आपके यहाँ पे कैराबाइनर में। सो ये जो टेथर थ्रेड है सीधा आपका यहाँ पे नीचे फास्टनर के साथ आपका जो कैराबाइनर है उसमें अटैच हो जाता है। तो अगर बाय चांस आपका जो फास्टनर है वो आप मिस कर देते हैं, स्लिप हो जाता है, स्टिल देयर इज अनदर लेयर जो आपके कैमरा को होल्ड करके रखता है। अब फाइनली मैं बात करूँगा अबाउट शोल्डर पैडिंग, और यहाँ पे इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे TPE फोम यूज़ हुआ है जो आपके बेसिकली शोल्डर पे बैठता है, एंड उसके ऊपर देयर इज एडिशनल लेयर ऑफ पोली एयर मैश, जिसका काम बेसिकली है कि जो आपका एयर फ्लो है यहाँ, बेसिकली अगर मैं ज़्यादा देर तक शूट कर रहा हूँ ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि स्वेट आता है, तो उसको काफ़ी अच्छे से ये मैनेज करता है। एंड अगर आप लॉन्ग आवर्स तक शूट कर रहे हो, मैंने जितना अभी तक टेस्ट करा है, अगर मैं हैवी सेटअप भी यूज़ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ईवनली वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिकॉज ऑफ द विड्थ ऑफ द स्ट्रैप। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक रैबिट स्पोर्ट एक स्लिंग शोल्डर स्ट्रैप है किन के लिए। अगर आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शूट करते हो, लेट्स सपोज आप वेडिंग्स, इवेंट्स, या स्पेशली अगर आप ट्रैवल या ट्रैकिंग करते हो, आई थिंक उस सिचुएशन में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, बिकॉज एक चीज़ आपका जो कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शूट कर रहे हो, आप बार बार बैग में डाल के निकालना वो एक बहुत एफर्ट बन जाता है और कई बार हम मोमेंट्स मिस कर देते हैं। बट एक शोल्डर स्ट्रैप के साथ क्या होता है, आपने सीधा कैमरा उठाया, शूट करा एंड आपने नीचे छोड़ दिया, मैंने इस तरह से लॉक को लगा दिया एंड आई कैन स्टार्ट ट्रैकिंग, वॉकिंग या अगर मैं वेडिंग्स कर रहा हूँ। सो आई थिंक उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना। जो इसका बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।